एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन क्या है? अ बॉय इज सीटेड इन अ रिवॉल्विंग चेयर रिवॉल्विंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। टू हैवी बॉल्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिवॉल्विंग सिस्टम एंड द बॉय कैन पुल द बॉल क्लोजर टू हिमसेल्फ और मे पुश देम अपार्ट। इफ बाई पुलिंग द बॉल क्लोजर द बॉय डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of system from 6 to 2, what will be the new angular speed? Okay, देखो moment of inertia decrease कर रहा है वो कहाँ से, first moment of inertia था 6, second moment of inertia कितना है 2, जब moment of inertia 6 था तब उसकी angular speed कितनी थी 120, और जब moment of inertia 2 हो गया तब angular speed कितनी है वो find करना है। ये person एक revolving chair के ऊपर बैठा हुआ है और उसी चेयर के सिस्टम में मास को आगे पीछे कर रहा है, तो जब मास को उसने अपने पास लेके आया तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ है, तो उस टाइम पे जब मास दूर थे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 था और स्पीड ये थी, जब मास पास में ले लिया उसने तब स्पीड क्या होगी वो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रख रहा है, खुद सिस्टम ही, सिस्टम कौन है वो बॉय प्लस चेयर, और चेयर के अंदर जो भी पार्टिकल होंगे वो सिस्टम है, तो सिस्टम का इंटरनल टॉर्क लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 I2 ω2 फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो ω2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I1 ω1, I1 कितना है 6, ω1 120 और ये कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 3 × 120 नहीं 360, क्या आ जाएगा 360, ये आपके आ जाएगी स्पीड, किस में आएगी रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट।